उत्तर प्रदेश सरकार अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। इसके लिए सर्वे टीमों को 5 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 25 अक्टूबर तक अपने यहां तक का डाटा शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के निर्देश के साथ साथ ये भी बताया गया है कि टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों के इस सर्वे को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। कई मदरसा संचालकों का कहना है कि मदरसे मान्यता प्राप्त हों या गैर मान्यता प्राप्त, आवाम के चंदे से चलते हैं और मदरसे आज से नहीं बल्कि जमाने से चलते आ रहे हैं। इन मदरसों से हमेशा मुल्क के लिए खिदमत की गई है और यहां से हमेशा देश के लिए खिदमत करने वाले ही पैदा होते हैं। मदरसों से मुतालिक सरकार का जो आदेश आया है, अगर ये तहकीकात के लिए है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तमाम मदारिस के जिम्मेदारान इस पर इत्तिफाक रखते हैं कि जब चाहे आकर कागजात देख लें, और अगर सरकार इसको किसी भेदभाव की नजर से चेक करवा रही है तो मैं समझता हूं ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता चेकिंग के बिहाफ पर किया जा रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और ना होनी चाहिए। तो वहीं कई संचालकों का कहना है कि मदरसा भले ही मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन यहां पर दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी इंग्लिश का भी इंतजाम है, वो भी पढ़ाया जाता है और जो भी खर्चा होता है वो सिर्फ आवाम के चंदे से ही आता है। नहीं, सरकार का जो भी कदम है जो वो चाहती है ठीक है, सर्वे है ये ठीक है, लेकिन हमारे ये मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसमें जो भी खराजात हैं वो सब आवाम के चंदे से ही होते हैं। आवाम से चंदा इकट्ठा करते हैं, आवाम लोग मदद करते हैं, उससे सभी खराजात पूरे होते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के पढ़ने का खर्च, रहने का, खाने का सब उसी के माध्यम से पूरा होता है। और जो मान्यता प्राप्त हैं, हमारा मदरसे की मान्यता प्राप्त भी है लेकिन उसको भी हम इसी तरह से लोगों के आवाम के चंदे से ही उसके अखराजात पूरे करते हैं। इसके अलावा किसी तरह का दूसरा कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। बता दें कि राज्य सरकार इस सर्वे के बाद नए मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो अभी सरकार का मकसद सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करना है, लेकिन इसको लेकर मदरसा संचालकों के मन में डर की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 16,461 मदरसे हैं जिनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जाता है और प्रदेश में पिछले 6 साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। We'll be right back.